हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रायंगल चैप्टर के रिवीजन एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर है 35। क्या करें, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इक्वल टू 135 डिग्री, प्रूव दैट एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 4 इनटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी यहाँ पहले बना लेते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिए, कैसा ट्रेंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल होगा, क्योंकि एक एंगल जो है 135 दिया है। तो एंगल ए बी सी यहाँ पर ये कितना है, 135 डिग्री है। चलिए हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन यहाँ पे है कि इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू में 135 डिग्री। और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। हम लोग ए वर्टेक्स से यहाँ पर बी सी पर एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये सी बी को आगे तक इधर प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, एक मिनट। चलिए ऐसे हमने इस पर परपेंडिकुलर खींचा है और ये सी बी को आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर लिया है, जिसको ज्वाइन कर देते। यहाँ पे हमने ए डी परपेंडिकुलर बी सी खींचा है और ये सी बी को डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इसको डॉटेड कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है कि ए डी परपेंडिकुलर हमने बी सी खींचा है एंड सी बी प्रोड्यूस्ड एट डी, सी बी को डी तक प्रोड्यूस कर दिया है। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में आए, इस ट्रायंगल में, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल डी ए बी और प्लस में एंगल ए डी बी, इन दोनों का सम जो होगा एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल जो होगा, है ना, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल डी ए बी प्लस में एंगल ए डी बी कितना होगा, तो ये परपेंडिकुलर है तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 135 दिया, इसको ले जाकर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल डी ए बी जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री हो गया। अच्छा, अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसको इसको देखा जाए कि स्ट्रेट लाइन है, है ना जी, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का लीनियर पेयर से, है ना, लीनियर पेयर एग्ज्यूम से क्या हो जाएगा, ये आपका इनका सम जो होगा 180 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, देख लेते हैं नाव यहाँ लिख देते हैं, एंगल ए डी बी प्लस में एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एग्जूम से। तो अब देखिए जब ये लीनियर पेयर से 180 लिख दिए और ए बी सी हमारे पास पता ही है, ठीक है, 135, तो उसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए बी डी जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, 45। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल डी ए बी इक्वल टू में एंगल ए बी डी इक्वल टू में 135 हो जा रहा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ए डी जो होगा इस बी डी के इक्वल हो जाएगा ना, ए डी इक्वल टू में हम लोग बी डी लिख सकते हैं। कैसे, तो हम लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ना, यानी हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये जो ए डी है ना ए बी डी के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। अच्छा, इसी ट्रायंगल में हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो ए डी स्क्वायर है और ये बी डी स्क्वायर है, इन दोनों का सम जो होगा ए बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा बाई पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस से। चलिए अब इसके बाद चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इसमें आप देखो तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर
या फिर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, हमें प्रूफ करना है ना ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो हम इधर ए सी ही लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर और प्लस में सी डी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर। चलिए ऐसा कर सकते हैं, है ना। चलिए अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू में देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ए डी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, सी डी के प्लेस पर, सी डी कौन है ये पूरा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बी डी प्लस में बी सी का स्क्वायर। हम लोग सी डी के प्लेस पे क्या कर दिए, बी डी प्लस का बी सी कर दिए। अब देखिए इधर ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए डी स्क्वायर, अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग इसे ए प्लस बी का रूट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू इंटू में बी डी इंटू में बी सी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू में, अच्छा देखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो ए बी स्क्वायर के इक्वल है ना, प्लस बी सी स्क्वायर, हमने यहाँ लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से इजी रहेगा समझने में, बात को समझे ना जी, इसलिए मैंने अभी लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट से ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि टू, अच्छा बी डी के प्लेस पर हम लोग ए डी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं कि नहीं, और इंटू में बी सी, क्यों ऐसा लिए ये भी हमने लिख दिया यहाँ पे कि हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं कि ए डी जो है ना बी डी के इक्वल है, इसलिए उसको बी डी को हटाकर ए डी लिख दिया। अब इसके बाद देखिए ए सी स्क्वायर प्लस में सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल टू में, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर और प्लस हम लोग यहाँ फोर लिख देते हैं और इंटू में वन बाई टू ए डी इंटू में बी सी, है ना, मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका यही ना आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस फोर इंटू में, ये देखिए वन बाई टू बेस और इंटू में हाइट, इस ट्रेंगल का एरिया होगा, किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का, यही ना हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंगल बी इक्वल टू 90, इफ ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर देन प्रूव दैट एंगल ए बी सी ए सी डी इक्वल टू 90। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं पहले ए बी सी डी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका एंगल बी 90 होना चाहिए, कुछ इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है, इस तरह से बनाओगे कि आपका एक 90 होना चाहिए इस तरह से। चलिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका नेम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, हम लोग पहले गिवन जो है इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे एंगल बी 90 दिया है, ध्यान रखना फिगर में भी दिखा देते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल बी इक्वल टू में 90 एंड ए डी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर टू प्रूव एंगल ए सी डी इक्वल टू में 90। हमें क्या एंगल ए सी डी यानी कौन से एंगल की बात हो रही है, ए सी डी ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला हमें एंगल दिखाना कि 90 होगा, ठीक है। चलिए तो अब इसका यहाँ पर हम लोग प्रूफ देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखें इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर जो होगा ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, पाइथागोरस से बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और हमारे पास यहाँ गिवन है ए डी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के सम की बात करें तो ए सी स्क्वायर के इक्वल है ना जी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके लिए, ए सी स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस में सी डी स्क्वायर, ऐसे कैसे हुआ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए डी स्क्वायर जो है इक्वल है
ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो पाइथागोरस के हम लोग कन्वर्स से समझ लेंगे ना कि ये जो आप इसके एक साइड का स्क्वायर अन्य अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो सामने इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाले एंगल जो होता है वो 90 हो जाता है। कैसे? तो बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी जी हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसे प्रूव्ड कर दिया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एन इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बी एन परपेंडिकुलर ए सी इफ बी एन का स्क्वायर इक्वल टू ए एन इंटू एन सी प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू मे 90। हम लोग चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी, ए सी पर एक एन पॉइंट है, किस तरह से है ताकि ये बी एन परपेंडिकुलर हो जा रहा है ए सी पे। बी एन जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, अच्छा ये चीज गिवन है तो हमें एंगल बी ये वाला 90 दिखाना है। चलिए देखते हैं गिवन में। इन ट्रायंगल ए बी सी बी एन परपेंडिकुलर ए सी एंड बी एन स्क्वायर इक्वल टू में ए एन इंटू में एन सी टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू में 90 डिग्री। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी एन में। इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ए बी स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा आपके ए एन का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बी एन का स्क्वायर। ठीक है, बी एन का स्क्वायर ये फर्स्ट हो जाएगा। और फिर इन ट्रायंगल अगर हम लोग बात करें बी सी एन में, तो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर आपके एन सी का स्क्वायर और प्लस में बी एन का स्क्वायर। ये समीकरण दो हम लोग इक्वेशन टू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे हो गया, तो ये बाई पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते, तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए एन का स्क्वायर प्लस में एन सी का स्क्वायर और प्लस में टू बी बी एन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ही ना हो जाएगा जी, टू बी एन का स्क्वायर, ये बी एन ऐड होके। चलिए देखिए, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए एन का स्क्वायर प्लस में एन सी का स्क्वायर और प्लस में टू बी एन का स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, तो ए एन और इन टू में एन सी के इक्वल दिया हुआ है। हमारे पास ऊपर दिया है ना जी कि यहाँ बी एन का स्क्वायर जो है इक्वल है ए एन इन टू में एन सी के। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे देखो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म पे है, तो यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एन प्लस में एन सी का होल स्क्वायर। तो देखो, तो अगर ए एन और एन सी को ऐड करेंगे तो ए सी ना हो जाएगा। चलिए, तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे ना? तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, जब ये एक साइड का स्क्वायर अन्य अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस साइड के अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो 90 हो जाएगा। तो कैसे? तो बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू में 90 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्या कह रहा है कि नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग ए स्ट्रीम। अच्छा, देख रहे हैं फिगर में कि ये क्या कर रही है, फ्लाई फिशिंग कर रही है इन स्ट्रीम में। ठीक है, द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड, यहाँ पे देखिए, इज 1 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द फ्लाई एट द डिस्टेंस ऑफ द एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे। क्या कह रहा है कि एंड द फ्लाई यानी कि इसका जो बंसी है उसकी बात हो रही है, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग रेस्ट यानी यहां से
टोटल डिस्टेंस जो है 3.6 मीटर है, ठीक है, एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड. अच्छा, डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड, यहां से इसका डिस्टेंस 2.4 मीटर है. अज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टॉट, यानी कि ये पूरा तना हुआ है इसका स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कहां से कहां तक, तो इसके टिप से लेकर इसके फ्लाई तक ये पूरा तना हुआ है. हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, ये कितना इसको बाहर निकाले स्ट्रिंग को, ठीक है, इसको कितना बाहर की तरफ निकाले, इसको बंसी को कितना इसमें आगे ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो ये बंसी क्या होगा, रोटेट कैसे करेंगे इसको अंदर, इसके यहाँ से घुमाएगा तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ खिंचाएगा, कितना ये इसको बाहर निकाले इस स्ट्रिंग को, बंसी को, ठीक है, स्ट्रिंग को कितना बाहर निकाले ये अपने फ्लाइंग फिशिंग रॉड से इसको रोटेट करके, कि इफ सी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अच्छा, ये अपने स्ट्रिंग को पुल कर रहे कितने, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको पुल करके बाहर निकालेंगे तो इसका जो यहाँ पर फ्लाई है वो फ्लाई इधर खसकते जाएगा, पास आते जाएगा ना, ये जब इसका जो ये आप देख रहे हैं, जब इसको ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जब पुल करेगा तो जाहिर सी बात है इसका स्ट्रिंग का जो फ्लाई है वो इधर आने लगेगा, मान लीजिए इधर आने लगा. वाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड, यानी कि इससे किससे, नाजिमा के यानी इसके बेस से ये कितना डिस्टेंस पर फ्लाई हो जाएगा 12 सेकेंड. मान लीजिए 12 सेकेंड बाद ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता करना होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तो 1.2 मीटर दिया ही है. तो चलिए पहले इसके लिए मैं यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर डायग्राम भी बना देते हैं, सॉरी. चलिए हो गया, अब देखिए यहाँ कुछ इस तरह से, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए जो कि टिप है, और यहाँ बी ले लेते हैं वाटर लेवल का ये वाला पॉइंट है, और यहाँ सी ले लेते हैं जहाँ पे इसका जो ये आपका फ्लाई गया हुआ है, ठीक है, और 12 सेकेंड बाद मान लेते हैं कि डी पॉइंट पे इसका फ्लाई यहाँ पहुँच जा रहा है 12 सेकेंड, आफ्टर 12 सेकेंड, ठीक है. तो हम लोग ये पहले BD पता करना होगा, और BD में ये वाला डिस्टेंस 1.2 मीटर ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 12 सेकेंड आफ्टर डिस्टेंस क्या होगा फ्लाई से इस तक का, इस लड़की तक का, ठीक है, समझ गए. तो चलिए हम लोग इसको अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, जो जो हमने फिगर में दिखाया. लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टिप ऑफ द फिशिंग रॉड फ्रॉम द वाटर सरफेस, फ्रॉम द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, ठीक है. एंड लेट लेट बी सी, यहां से यहां तक बी सी बी द हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द टिप ऑफ द टिप ऑफ द फिशिंग रॉड फिशिंग रॉड, ठीक है. एंड यहां पर लिख देते हैं कि ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है. अच्छा, हम लोग यहां पे ये भी ले लेते हैं कि लेट, ये डी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है ना 12 सेकेंड आफ्टर, लेट लेट द फ्लाई बी एट पॉइंट डी आफ्टर 12 सेकेंड आफ्टर 12 सेकेंड 12 सेकेंड के बाद, ठीक है.
ये डी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउट आफ्टर 12 सेकेंड इज एडी हो जाएगा 12 सेकेंड के बाद, तो एडी हो जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा एडी। तो एसी में से हम लोग कितना घटाएंगे, जितना ये जो नाजिमा है बाहर निकाली होगी स्ट्रिंग को उतने को, तो हमारा एडी के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें फिगर में आते हैं। अब आगे देखिए ए बी कितना है 1.8 मीटर, बी सी टोटल कितना है 2.4 मीटर। तो ए सी अब यहाँ से निकाल सकते हैं ना। चलिए तो अगर ए सी स्क्वायर की बात करें तो इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर के, कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर यानी 1.8 का स्क्वायर और ये 2.4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ये आपका 3.24 और प्लस में यहाँ पर 5.76। ए सी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा आपका 9। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू है तो ए सी इक्वल टू रूट 9 यानी कि 3 मीटर हो जाएगा। ए सी टोटल लेंथ जो होगा स्ट्रिंग का वो क्या हो गया 3 मीटर हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको ये बाहर निकाल रही है, बाहर निकाल रही है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में कितना पुल हुआ है इसको देख लेते हैं। तो 12 सेकेंड लगाया टाइम और 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से कर रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 60, ये आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, 12 सेकेंड में आपका कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में देखेंगे तो 0.6 मीटर ये बाहर निकालेगी। तो 0.6 मीटर इसको बाहर निकाली और टोटल 3 मीटर था, तो जब जितना बाहर निकले उसको अगर इसमें से सेपरेट करेंगे तो ये एडी का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एसी माइनस का 0.6 मीटर यानी हो जाएगा 3 में से 0.6 को सेपरेट करेंगे आ जाएगा यहाँ पर 2.4 मीटर। तो 2.4 मीटर एसी का लेंथ हो गया। अच्छा, इतना ये बाहर, ये इतना 0.6 मीटर बाहर निकाली और ये लेंथ हो गया 2.4 मीटर। अब देखिए हमें यहाँ बीडी निकालना है, चलते हैं इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में अगर बीडी निकालना है तो बीडी इक्वल टू में आप सीधे लिख दो रूट अंडर ए डी का स्क्वायर और माइनस में आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 2.4 का स्क्वायर और माइनस में आपका 1.8 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो बी डी इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर 5.76 और माइनस का 3.24। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बी डी इक्वल टू में रूट अंडर 2.52 यानी आ जाएगा बी डी इक्वल टू में यहाँ पे अगर डेसिमल में देखेंगे तो 1.587 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो यह लगभग में हो जाए, ये लगभग में 1.6 मीटर के आसपास में है अप्रॉक्स में। ठीक है, 1.6 के आसपास। अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम किससे, फ्रॉम क्या नाम था लड़की का, फ्रॉम नाजिमा, वह क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस बीडी में, बीडी है ना जी, इस बीडी में ऐड कर देंगे 1.2 ना, 1.2 देख लो बीडी में, इस बीडी को बीडी में ऐड कर देंगे किसको, देख लो फिगर में, इस वाले फिगर में देखो, यहाँ से यहाँ बी डी था, बी डी में ये ऐड कर देंगे 1.2, तो आपका काम हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1.6 मीटर और प्लस में 1.2 मीटर यानी आ जाएगा 2.8 मीटर। यही हमें निकालना था, हमने यहाँ पर निकाल दिया, समझ गए, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।